आप स्पीकर देख रहे हो, ये दो स्पीकर हैं बेसिकली। ये सामने जो है आंसपोर्ट की तरफ से, जिसमें राजी भी, और पीछे जबरमैक्स की तरफ से 2.0 है। अच्छा, 2.1 में एक सबवूफर ऐड होता है, 2.0 में सिर्फ दो स्पीकर्स होते हैं लेफ्ट और राइट। अब दिखने में आंसपोर्ट का बड़ा लग रहा है जबरमैक्स के मुकाबले, बट ऐसा मतलब है थोड़ा सा बड़ा, बट जब आप इनको करीब से देखते हो ना तो आपको साइज का फर्क पता चलेगा। देखो साइड बाय साइड अब जेब्रोनिक्स ज्यादा बड़ा लग रहा है, आंसपोर्ट छोटा लग रहा है, बट डेफिनेटली आंसपोर्ट में जो है एक डेडिकेटेड सबवूफर दिया गया है, जेब्रोनिक्स में वो थोड़ा सा मेंशन नहीं है। जेब्रोनिक्स में आरजीबी है फ्रंट में, जो ग्रिल पे जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग है, आगे पूरा ही मेटल ग्रिल है जिसमें आरजीबी होती है, पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई और एक छोटा सा होल दिया गया है एक सबवूफर इफेक्ट के लिए। हालांकि इसमें दो स्पीकर हैं, दोनों 5-5 वोट के हैं, टोटल 10 वोट का आराम से आउटपुट देते हैं, और इसमें कोई डेडिकेटेड सबवूफर नहीं दिया गया है। और बिल्ड क्वालिटी इस स्पीकर की डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छी भी आपको देखने को मिलती है। अगर मैं आंटस्पोर्ट की बात करूं ना, तो आंटस्पोर्ट में ना एक डेडिकेटेड सबवूफर दिया गया है जो कि प्रॉपर 2.1 में आता है। 2.1 में मैंने बताया कि आपको दो स्पीकर के साथ एक सबवूफर देखने को मिलता है। अच्छा, सबवूफर होने का एक खास फर्क क्या पड़ता है, वो ये है कि आपको एक डेडिकेटेड सिर्फ वूफर है बेस के लिए, तो मतलब बेस जो प्रोडक्शन है ना वो आपको स्पीकर में बेटर मिलेगी। और इसमें 10 वोल्ट का सिर्फ सबवूफर दिया गया है। साइड में बेस की नॉब्स है कंट्रोल करने के लिए, वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए है, दो स्पीकर कनेक्ट करने के लिए है। बेसिकली आंटस्पोर्ट की ना क्वालिटी मेरे को काफी अच्छी लगी और दिखने में बहुत सुंदर लगता है। मतलब छोटा सा है और 2.1 का कॉम्बिनेशन है, और बजट प्राइस है ना इसका, ओवरऑल आरजीबी आपको नीचे मिलती है और ऊपर दो स्पीकर्स में मिलती है। नीचे जो है रंग बिरंगी मिलती है, ऊपर दो स्पीकर्स में सिर्फ रेड कलर की मिलती है। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, ब्लू कलर ले सकते हो आप, वो उसमें ब्लू कलर चमकेगा, लेकिन वो चमकता तभी है जब इसमें कुछ चालू हो, मतलब ऐसे नहीं चमकता है। वहीं पे बात करें जेब्रोनिक्स की, तो इसमें आरजी मिलती है और इसमें बस यही चलता रहता है, और ये काफी प्रीमियम लगती है। आरजी भी मुझे पर्सनली जेब्रोनिक्स की ज्यादा बेटर लगी है, और इसका प्राइस 750 रुपए, 50 रुपए कम में मिलता है क्योंकि इसमें डेडिकेटेड सबवूफर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन गेस साउंड आउटपुट में ना बहुत मेजर चेंजेस है। आपको जो दमदार लगता है वो दमदार होता नहीं है, और जो नहीं लगता वो होता है। तो एक साउंड आउटपुट लेते हैं दोनों का, और आपको पता चल जाएगा कितना क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, फिर बात करेंगे। देखो, आपने साउंड आउटपुट भी सुन लिया और सब कुछ देख लिया है, अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कौन सा ज्यादा बेटर है और कौन सा बेकार है। वॉल्यूम के मामले में जेब्रोनिक्स का जो स्पीकर है वो ज्यादा लाउड है, ज्यादा आउटपुट है, और ज्यादा बेहतर सुनाई देता है बजाय आंटस्पोर्ट के। आंटस्पोर्ट में खासियत यह है कि उसका जो बेस है वो रियल ट्रू बेस है, धमधम वाला बेस है, और बेस में आपको इसका मजा आ जाएगा। हालांकि इसमें 16 वोट का आउटपुट है, बट इसमें लाउडनेस बहुत ज्यादा नहीं है, इसके वोकल्स डाउनग्रेड सुनते हैं, तो मतलब अगर आपको वोकल सुनने हैं तो ये आंटस्पोर्ट का स्पीकर आपके लिए नहीं है, जेब्रोनिक्स का है। हालांकि एक फर्क है, आंटस्पोर्ट में आपको 100% वॉल्यूम पर डिसोशन फील नहीं होता है, बट जेब्रोनिक्स में फील होता है। ओवरऑल अगर मैं रेटिंग दूं तो जेब्रोनिक्स को मैं दूंगा 4 out of 5 और आंटस्पोर्ट को दूंगा 3, उसके कई सारे रीजंस हैं साउंड को लेके। बट अगर आपको चूज करना है इन दोनों में से, आपको कौन सा चूज करना है, तो देखो पर्सनली मैं आपको बता देता हूं, आप जेब्रोनिक्स के साथ जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके दो रीजन है कि जेब्रोनिक्स एक तो कम स्पेस लेता है, दूसरा आरजीबी उसकी ज्यादा सुंदर है, तीसरा उसकी लाउडनेस ज्यादा है, मतलब वोकल्स आपको उसमें ज्यादा बेटर सुनाई देंगे। हाँ, अगर आपको एक सोफिस्टिकेटेड डेडिकेटेड इस रेंज में बेस चाहिए ना, एक डेडिकेटेड सबवूफर चाहिए ना, तो आप आंटस्पोर्ट की तरफ से जा सकते हो, और उसमें आप एक अच्छा काम और कर सकते हो कि आप ना आंटस्पोर्ट के सबवूफर को या स्पीकर्स को अपग्रेड कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मतलब आपको 700 रुपए में ये मिलेगा 800 रुपए में, और इसमें आपको 500-1000 रुपए लगा के आप इसको बहुत ज्यादा बेटर बना सकते हो, क्योंकि मेनली खर्चा जो आता है वो इसके बॉक्सेस का आता है, बाकी ड्राइवर्स आप कहीं से भी उठा सकते हो मार्केट से, और प्लेट उठा सकते हो, बैटरी का इसमें कोई खर्चा नहीं है, तो इजीली आप इसको अपग्रेड कर सकते हो और आपको एक 2.1 प्रॉपर होम थिएटर बन जाएगा। बाकी आपके ऊपर है, आपको कौन से प्रेफरेंस है, क्योंकि देखो आंटस्पोर्ट का दिखने में बहुत सुंदर है और बेस बहुत अच्छा ये प्रोवाइड कराता है, अदरवाइज वोकल्स की लाउडनेस और क्लियरिटी के मामले में जेब्रोनिक्स ज्यादा बेटर है।
ये थी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आएगी। लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहां से जाके परचेज कर सकते हो दोनों का डेडिकेटेड। अगर आपको वो जानना है रिव्यू, तो वो भी लिंक आपको आई बटन पे जाके मिल जाएंगे, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। डिटेल में दोनों का डेडिकेटेड मैंने रिव्यू किया है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अमेजिंग वीडियो के अंदर।